और गाड़ी का हाल देख सकते हो भाई, क्या हाल करके रखा है। देखो ये पूरा गिलास टूट चुका है और यहाँ पर नंबर प्लेट वगैरह सारे टूट चुकी है, क्या करें अभी पता। लेकिन मेरे गाड़ी का हालत देखकर मुझे लग रहा है कि भाई रोना आ रहा है मुझे। मैंने कभी इसको हैप्पीनेस को ऐसे चलाया नहीं हूँ। नमस्कार कुमरिक सुरुम, कैसी हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है पीएम असम 05 यूट्यूब चैनल की तरफ और मैं हूं आपका परेश भाई। और गाइस इतने रात को वीडियो बना रहा हूं, तो गाइस बात ये है कि आप लोगों को पता ही है मैं जब बाहर था तब मैंने एक बाइक लिया था जो कि मेरा हैप्पीनेस। वहां से निकल के कम से कम एक दो सप्ताह तो हो चुकी है और अभी तक मेरे मोबाइल पे ना मैसेज आया है ना फोन कॉल आया है। तो इसी रीजन से कि हम लोग गुवाहाटी जाने वाला हूँ आज की रात, मतलब अभी निकलने वाला हूँ 9:30 बजे। यहाँ से हमारे धेमाजी से की गाड़ी निकल जाएगा, वहां तक ट्रेन में जाएंगे हम लोग और कि वहां पर पूछताछ करते हैं। वहां पर मेरे भैया है, बड़े भैया, तो उनको मैंने बोला कि अभी तक गाड़ी पहुंचा नहीं है, यहाँ तक पार्सल आया नहीं है, ना कुछ फोन कॉल्स आया ना मैसेज आया है। तो उसको कहा तो उन्होंने कल वहां पर स्टेशन पे जाकर पूछा कि पार्सल अभी तक पहुंचा नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं। तो उन लोगों ने बोला कि अभी तक पहुंच जाना चाहिए, गाड़ी तो पहुंच गया वहां तक, पार्सल जो जिस गाड़ी पे पार्सल भेजा था वो गाड़ी तो पहुंच चुका है गुवाहाटी पे। तो इसी रीजन से कि भैया ने कहा एक बार गुवाहाटी पे स्टेशन पे जाकर पूछो। तो मैं और मेरा भैया निकल रहे हैं, हम लोग आज शाम को निकल जाएंगे यहाँ से, रात को, मतलब शाम को नहीं रात को निकल रहे हैं, 9:30 बजे तक हमारे पास ट्रेन है। तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और कि अगर हैप्पीनेस गुवाहाटी तक पहुंच चुकी है तो हम लोग लेके आएंगे और कि पहले, और हम लोग यहाँ से अभी निकलने वाले हूँ। और गाइस ठंड बहुत हो चुकी है अभी असम में, जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल तक बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो गाइस बहुत ही ठंड लग रहा है और आज रात भर ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ, तो गाइस क्या हालत होने वाला है मुझे तो नहीं पता, बट अच्छा लग रहा है कि मेरा हैप्पीनेस असम तक पहुँच रहा है तमिलनाडु से, तो बहुत ही खुशी हो रही है। और कि वीडियो आप लोग देखते रहना, हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे और कि गाड़ी के बारे में भी सारे डिटेल्स और जानकारी आप लोगों को देने वाला। तो गाइस बहुत ही वीडियोस मजा आने वाला, आप लोग देखते रहना, वीडियो को स्किप ना करें। लेट्स गो गाइस, रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आप लोग को मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं रोमिया रेलवे स्टेशन और कल रात को मैंने ट्रेन चढ़ते वक्त धेमाजी पे वीडियो शूट नहीं कर पाया। इस समय मैं हूँ रोमिया रेलवे स्टेशन। गाइस रोमिया रेलवे स्टेशन की तरफ आ चुकी हो और कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और गुवाहाटी पहुँचने वालों, गुवाहाटी पे जो कुछ भी हम लोग करेंगे सारे आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे। और गाइस बहुत ज्यादा तन हो चुकी है और गाइस अभी पहुँचने वालों गुवाहाटी और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और अगर टाइम मिलते हैं तो गुवाहाटी आप लोगों को घुमाने का कोशिश करूंगी। और गाइस फाइनली गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की तरफ पहुँच चुकी हूँ, 9 बजे पहुँचा हूँ यहाँ पे और मैं धेमाजी से निकला था रात को 10 बजे। और ये रहा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और भैया आगे जा रही है और हम अभी पार्सल ऑफिस की तरफ जाएंगे और कि पूछताछ करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, इन्फॉर्मेशन सारे चीज़ें लेना है। अगर गाड़ी रेडी है, यहाँ पर पहुँची है, तो गाइस हम यहाँ से लेकर निकल जाएंगे। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में भी फैसिलिटीज हो भाई, ज़बरदस्त। और कि ये हमारे असम के कैपिटल गुवाहाटी आप लोगों को बताइए। और भाई देख रहे हो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे हमारे जो ट्रेडिशनल है वो सारे चीज़ें यहाँ पर बना के रखा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही कूल तरीके से बना के रखा है भाई, ज़बरदस्त। और हम अभी यहाँ से जाएंगे, ये रहा स्टेशन टिकट काउंटर, तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं वहाँ तक पार्सल ऑफिस। और हम लोग आए थे कि इस साइड है करके, वो लोग बोल रहे हैं कि उस साइड है, उस तरफ है,
तो उसी तरफ हम लोग चलते हैं अभी, पहले पूछते हैं उसके बाद ही नाश्ता वगैरह जो भी करना है करेंगे। और गाइस फाइनली मेरा गाड़ी तो यहाँ तक पहुँच चुकी है पार्सल ऑफिस में, अच्छा लग रहा है देखकर यहाँ पर खड़ी है। तो हमारा भाई का हैप्पीनेस फाइनली गाइस आ चुकी है आसाम पे। और गाइस इस गाड़ी का भी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वहाँ से जो पार्सल किया था वहाँ के जो ओरिजिनल रिसीट है, जो पेपर है, उसको चाहिए, वरना अभी यहाँ से हम लोग डिलीवरी नहीं ले पाएंगे। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग तो आगे निकल गए थे वहाँ से, और कि वहाँ से मेरा बड़े भैया ने पार्सल भेजे थे। तो गाइस अभी इतना दूर से कौन लेके आएगा वो पेपर, कम से कम वहाँ से पहुँचते यहाँ तक एक सप्ताह तो लग ही जाएगा। तो दिक्कत ये हो रहा है कि काउंटर पे जाकर पूछा, वो लोग बोल रहे हैं कि वो जब तक वहाँ के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं मिलता तब तक गाड़ी नहीं देंगे, डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। तो गाइस देखते हैं, बातचीत करते हैं। और गाड़ी टू आ चुकी है यहाँ पर सही सलामत, और पैकिंग अभी तक ओपन किया नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि 2 तारीख को यहाँ तक पार्सल पहुँची थी और लीक भी चुका है यहाँ पे, और कि बोल रहे हैं कि अभी तक एंट्री हुआ नहीं है वहाँ के रजिस्टर में, रजिस्टर हुआ नहीं है। तो गाइस क्या बात है, वो लोग बोल रहे थे कि स्टेशन पे मेरा नंबर भी दिया था, और ये बोल रहे थे कि गाड़ी जब डिलीवरी होगा तब तुम्हारे मोबाइल तक मैसेज जाएगा इस नंबर पे करके, और यहाँ पर जब गाड़ी उतारेंगे पार्सल तब भी मैसेज आएगा बोल रहा था। लेकिन मेरा मोबाइल पे तो ना कुछ मैसेज आया है ना कुछ आया है। तो यहाँ पर अभी एक सप्ते से ऊपर हो चुकी है गाड़ी उतार के, पर अभी तक कुछ ना मैसेज आया है ना कुछ आया है। तो गाइस प्रॉब्लम ये हो रहा है, और आप लोग कमेंट करके बताना कि ये चीज़ें सही है या गलत है, और कि देखते हैं अभी क्या करता है। पार्सल अभी ओपन किया नहीं है, अंदर क्या क्या चीज़ें डैमेज आया है, क्या क्या चीज़ें टूटी है, वो सारे चीज़ें देखना पड़ेगा पार्सल ओपन करेगा जब। और कि अभी इतना आसानी से तो मिलने वाला नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए चाहिए उन लोगों को, तभी यहाँ से कि डिलीवरी हम लोग ले पाएंगे। क्योंकि वो लोग के बात भी सही है, जो बोल रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि ओरिजिनल अगर नहीं होता तो दूसरे अगर बाट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएगा वो भी मांगेगा कि मेरा गाड़ी किधर है, मेरा पार्सल किधर है। तो सही है, बट क्या करें भाई, वहाँ से रात को भी सोया नहीं हूँ, ऐसे निकल के आए थे वहाँ धेमाजी में। हम लोग रात को 10 बजे ट्रेन में बैठे थे और यहाँ तक पहुँचा दिया सुबह 9 बजे। गाइस रात भर सोया नहीं हूँ, हालत वैसे भी ख़राब है बिल्कुल ही। और भैया को कॉल करके बोला था कि स्टेशन पर जाके थोड़ी बहुत वहाँ पर बातचीत करो क्या होता है क्या नहीं, तो गाइस आप लोगों को बताएंगे। तो गाइस आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरे देख लेना कि हम लोग अभी निकल जाएंगे यहाँ से, नाश्ता वास्ता करेंगे और रात भर सोया नहीं हो गाइस, हालत खराब हो रखा। और फाइनली गाइस यहाँ पर तुम्हारे भाई के हैप्पीनेस यहाँ पर आ चुकी है भाई असम पे। ओ भाई इस वजह से बहुत ही खुश हो, यहाँ पे मेरा पार्सल पहुँची है, मेरा हैप्पीनेस आ चुकी है। और कोई बात नहीं, चलेगा वहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी करना है करेंगे। तो लेट्स गो गाइस, देखते हैं क्या होता है आगे, चलो। और गाइस जैसे तैसे करके फाइनली बाइक वहाँ से निकाल के लेके आए, बहुत ज़्यादा झंझट है, और कि मुश्किल बहुत ज़्यादा हो रखा था, क्योंकि प्रॉब्लम वो भी था, मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि पेपर का भी प्रॉब्लम था, ओरिजिनल जो रिसीट है वो नहीं मिला, इसी रीजन से भी प्रॉब्लम आया। और कि अभी गाड़ी बहुत दिन हो गया, वो लोग भी इन्फॉर्म नहीं किया। मेरे हिसाब से कि ये उन लोगों का ही गलती था वहाँ से, कि उन लोगों की तरफ से एक मैसेज आना था मेरे मोबाइल से कि पार्सल पहुँच गया, कौन से जगह पे पहुँच रहा है, पर वो सारे चीज़ें आया नहीं है। तो इसी रीजन से कि बहुत लेट हो गया, 29 तारीख को नवंबर को ही गाड़ी निकल गए थे वहाँ से, अभी तक कम से कम 15-20 दिन हो चुकी है और अभी तक बताया नहीं है। तो मुझे भी नहीं पता कि गाड़ी यहाँ तक पहुँची है, और फिर भी कोई बात नहीं, निकाल के लेके आया हूँ यहाँ पे। और गाड़ी का हालत देख सकते हो भाई, क्या हाल करके रखा है, देखो ये पूरा गिलास टूट चुका है, और यहाँ पर नंबर प्लेट वगैरह सारे टूट चुकी है, क्या करें अभी, धेमाजी तक लेके जाना भाई, क्या करें, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और गाड़ी का हालत तो बाकी कंडीशन तो सही, सब तिर खराब लग रहा है। और गाइस देख लो नंबर प्लेट कैसे करके रखा है भाई, दिमाग खराब हो रहा है देख के मेरा, गाड़ी क्या हाल बना के रखा है भाई साहब। मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रेन में पार्सल नहीं करना चाहिए, पार्सल किया तो ये हालत है, और बाकी दूसरे पार्सल का तो क्या चल रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे गाड़ी का हालत देखकर मुझे लग रहा है कि भाई रोना आ रहा है मुझे, मैंने कभी इसको हैप्पीनेस को ऐसे चलाया नहीं हूँ।
मैं बहुत ही प्यार से रखता था, पर यहाँ पर अभी सरकारी जो मामला है मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर भी थोड़ा सेफ्टी करके लेके आना चाहिए, जो भी पार्सल है किसी का भी है। भाई हालत बिगाड़ दिया यार गाड़ी का, बहुत पूरा प्रॉब्लम हो गया यार, क्या करें। ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं और कि चलो जो होता है देखेंगे। और अब स्टार्ट कर रहा हूँ गुवाहाटी से धेमाजी तक की राइड, और ये रहा गुवाहाटी सिटी। और गाइस देख रहे हो फिर से लग गया ट्रैफिक। भाई गुवाहाटी में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगती है भाई, निकलना मुश्किल है यहाँ से। और गाइस इस बार टाइम हो चुकी है दोपहर का दो, और गाइस ये गुवाहाटी का ट्रैफिक देख रहे हो 2 बजे का दोपहर का, हो भाई क्या भयंकर ट्रैफिक है भाई। और एक चीज़ आप लोगों को पता ही होगा, असम के कैपिटल है गुवाहाटी। और गाइस की अभी हम लोग गुवाहाटी से धेमाजी तक की राइड चल रही है, और भी बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग देखते रहना, लेट्स गो। और हम अभी गुवाहाटी सिटी से बाहर निकल चुकी हूँ, और ये जो गुवाहाटी सिटी है असम के कैपिटल जो है ये पहाड़ों के अंदर है और पहाड़ों के ऊपर है। और गाइस की हम लोग जिस जगह पे अभी राइड कर रहा हूँ, जिस रूट पे राइड कर रहा हूँ, ये भी एक पहाड़ों के ऊपर से हम राइड कर रहा हूँ, और कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप लोग देख रहे हो यहाँ के नज़ारे, हो भाई साहब चेक करो भाई गुवाहाटी असम। से हम लोग निकाल के लेके आया हूँ हैप्पीनेस को। यहाँ से हम लोग आज रात को राइड कर रहे हैं गुवाहाटी से धेमाजी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाड़ी को देखकर तो हैप्पीनेस को देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ, फिर भी कोई बात नहीं। अभी गुवाहाटी से धेमाजी तक राइड चल रही है, और बहुत ही मजा आ रहा है। ये डायरेक्ट धेमाजी तक जाने वाले हाईवे, और कि अभी हम लोग नौगांव पहुंच चुकी हूँ, और अभी चाय वगैरह पियेंगे। भैया अंदर है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है रास्ते पे। तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो रही है, और बाइक में बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, और तुम्हारा बाइक की हालत देख रहे हो गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और गाइस की हम लोगों ने एक ही हेलमेट लेके आया था, और ये वाला फिर से लिया दूसरा, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 हेलमेट चाहिए, वरना राइड के लिए नहीं जा सकते और दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। और गाइस हैप्पीनेस यहाँ पे मेरे साथ, और हैप्पीनेस का फर्स्ट टाइम आज गुवाहाटी से धेमाजी तक राइड, 500 किलोमीटर राइड चल रही है गाइस, 550 किलोमीटर। और गाइस आज रात भर हम लोग राइड करने वाला हूँ, और कल सुबह तक हमें पहुँच जाएगा। तो गाइस यहाँ पर लेट्स सी हैप्पीनेस। और गाइस ये बाइक के बारे में हम लोग डिटेल्स घर पे जानेंगे, और अभी फिलहाल राइड चल रही है, और भैया इस रेस्टोरेंट के अंदर जा चुकी है भाई, चाय वगैरह पियेंगे। रेस्टोरेंट मस्त बना कर रखा है भाई, भैया अंदर है। गाइस अब पहुंच चुकी हो टेस्टपुर, और ये रहा टेस्टपुर। रात के समय इस तरह से देखने को मिलते, ये हाईवे रूट नहीं है, ये गांव के एक अंडर का टाउन है, और यहाँ पर हैप्पीनेस को लेके आया हूँ। और भाई की यहाँ पर रुकने का मतलब ये है, हम लोग सुबह से खाना वगैरह सुबह खाया था 9-10 बजे, और अभी तक खाना कुछ खाया नहीं था, तो यहाँ पर होटल पे आकर रुक कर अभी खाना वगैरह खा चुकी हूँ, और अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ। और गाड़ी का इंजन भी गर्म हो चुकी है भाई, 450 किलोमीटर चल रहा है गाड़ी, तो गाड़ी का इंजन भी गर्म हो रहा है, इसको थोड़ी बहुत ठंडा होने देते, उसके बाद ही हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ पर कम से कम 15-20 मिनट तो रेस्ट करेंगे। और भाई अभी नवंबर दिसंबर को आप लोगों को पता ही, असम पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और ये उसी रीज़न से भी हालत बिल्कुल ही ख़राब, और बाइक में बैठते बैठते हालत ख़राब हो चुकी है भाई, ये है कि चलना मुश्किल हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं, अभी यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे, और चलो लेट्स गो। और गाइस कि गाड़ी तो हम लोग हैप्पीनेस को तो लेके पहुंच चुकी हो असम धेमाजी, यानी कि तुम्हारे भाई के घर पे, और कि कल रात को ही हम लोग पहुंचे थे, कल रात को नहीं सुबह हो गए थे, आज सुबह हो गए थे, 4-5 बजे हम लोग घर की तरफ पहुंचा हूँ, और कि अभी फिलहाल मैं अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था वहाँ से गाड़ी चला के आना, बाइक चला के आना, और मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है इतना लॉन्ग राइड करने का,
तो गाइस बहुत ज्यादा तकलीफ में आया हूँ और कि तुम्हारे भाई की हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है और घर वालों ने हैप्पीनेस को अंदर लेने का, घर पे लेके आने का थोड़ी बहुत नियम कर रही है, तो गाइस वो भी दिखाएंगे आप लोग को, आप लोग देखते रहना। हैप्पीनेस का हालत देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ और आज के दिन भैया ने उसको लेके गया था वर्कशॉप पे, ग्रेस पे, वहां पर थोड़ी बहुत बना के लेके आया। मुझे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वरना जब स्टेशन पे देखा गाड़ी का हालत तो गाइस मैं बता रहा हूँ कि मेरा आंखों में आंसू आ रहा था, इतना भयंकर हालत करके रखा था गाड़ी का। तो बिल्कुल ही ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा अभी की गाड़ी का नियम कर रहा है घर के अंदर लेके आने का। तो चलो गाइस दिखाते हैं आप लोगों को, लेट्स गो। और गाइस यहाँ पर कुछ नीति नियम है हमारे की गाड़ी अगर घर पे लेके आता है तो ऐसे करते हैं, और अभी यहाँ पर लेके आ रहा है हैप्पीनेस को, और एक ही साथ में पीछे खड़ी है R15, दोनों को आज कर रहा है कुछ नीति नियम, पता नहीं गाइस मुझे भी इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारे नियम करके अभी गाड़ी को लेके आएंगे अंदर। और गाइस हमारे के कुछ नियम है तो लेके आ रहा है गाड़ी अंदर, घर के अंदर लेके जा रहा है। ये रहा हैप्पीनेस, और यहाँ पर R15 और गाइस फाइनली गाड़ी का नियम सारे हो चुका है, और कि अभी फिलहाल मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है तो वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करेंगे, यहीं पे ही ख़त्म करेंगे। और कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल पर नया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड वाला बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियोज़ पर आप लोग को मिलते रहेंगे। तो गाइस चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।